नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दो फिल्मों की बड़ी चर्चा है, ओएमजी 2 यानी ओ माय गॉड 2 और गदर, वो भी 2। दोनों ही दूसरे संस्करण हैं अपनी अपनी मूल फिल्मों के। गदर 2 पर भी बात करेंगे, पर मुख्यतः आज बात करेंगे ओएमजी 2 पर। और इसके लिए मेरे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं जाने माने फिल्म समीक्षक प्रतीक बोराड़े। तो प्रतीक जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रतीक जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए इस चर्चा में। धन्यवाद बहुत सर। स्वागत, बहुत स्वागत। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, चूंकि आज आप मूवी देख करके आए हैं और अपने चैनल पर आपने उसकी समीक्षा भी की है, कुछ अंश मैंने देखे हैं, आप बहुत नाराज भी हैं, ये बताइए कि ये जो फिल्म बनाई गई है पार्ट 2, ये बनाई क्यों गई है? इसका उद्देश्य क्या है? क्या फिर से हमारे देवी देवताओं, हमारे भगवान का मजाक उड़ाया गया है, या कुछ अलग विषय वस्तु के साथ ये दूसरी फिल्म बनाई गई है? इस बार उन्होंने बहुत ही ज्यादा होशियारी से अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है सर। मतलब जो फर्स्ट आप में ओ माय गॉड 2 अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आप में उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया है ऑडियंस को, सुसाइड को, आत्महत्या को रोमेंटिसाइज करके, वो भी एक बार नहीं, दो दो बार, दो दो बार फिल्म आत्महत्या को रोमेंटिसाइज करती है। और उसके साथ में ही फिल्म में आगे जाकर एक छोटी बच्ची के साथ में होने वाले दुष्कर्म का भी उन्होंने उपयोग किया है। किस लिए? कि सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों की स्वीकार्यता बने। और इन लोगों का मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन देखिए, ये लोगों को बता रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन से बच्चियों के साथ होने वाले जो दुष्कर्म है वो रुक जाएंगे, और उसके लिए सेक्स एजुकेशन आवश्यक होता है। और पूरी फिल्म में ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो हस्तमैथुन को नॉर्मलाइज करने के लिए ही सब बातें की जा रही है। फिल्म के एंडिंग में जिस कंक्लूजन पर ये फिल्म पहुंचती है, कुछ अलग अलग कुछ कथित डॉक्टर्स वगैरह दिखाए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई, उनका संदर्भ देते हुए एक कोट भी किया और दूसरे डॉक्टर के भी बोलते हुए दिखाया है कि हस्तमैथुन तो बहुत सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, हस्तमैथुन से तो कोई हानि नहीं होती। ये फिल्म के डायलॉग्स हैं क्लियरली, हस्तमैथुन से तो कोई हानि नहीं होती। और फिल्म के एंडिंग में बच्चों को सामने आकर ये प्राउडली गर्व के साथ में सबके सामने बोलते हुए दिखाया है कि मैं हस्तमैथुन करता हूं, मैं मास्टरबेट करता हूं और इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब बच्चों को ये फिल्म मास्टरबेट करने पर, हस्तमैथुन करने पर प्राउड करना करने को कहती है, ये सिखाती है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इस कंक्लूजन पर फिल्म को पहुंचना है। पर ये कितना क्लेवरली लोगों को मैनिपुलेट किया है फिल्म में, कि कोई सामान्य व्यक्ति अगर फिल्म देखने के लिए जाएगा जिससे शास्त्रों के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, हम कभी बचपन से ना हमारी शिक्षा व्यवस्था शास्त्रों का ज्ञान देती है और ना ही आजकल माता पिता देते हैं, तो ज्यादातर जनता को तो हमारी संस्कृति कल्चर के बारे में पता ही नहीं है। तो ये फिल्म जो मैनिपुलेट करती है लोगों को गलत तथ्य बताकर, बार बार पूरी फिल्म में संस्कृति 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 इस प्रकार के नाम तो ये फिल्म लेती है, पर कहीं पर भी एक सिंगल श्लोक का भी उदाहरण नहीं देती, एक सिंगल रेफरेंस भी फिल्म नहीं देती है। पूरी फिल्म में जो ये अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो हस्तमैथुन को नॉर्मलाइज करना हो, सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने की बातें ये फिल्म जो कहती है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए इनके पास में बस दो तीन तर्क, दो तीन आर्गुमेंट हमें फिल्म में देखने को मिलते हैं जिनमें कोई बेस नहीं था, कोई सरपैर नहीं। पूरी फिल्म में क्या थे वो दो तीन तथ्य, दो तीन बातें कि भाई कामसूत्र, ऐसे वो कामसूत्र बार बार वो दिखाता रहता है पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर। दूसरा है खजुराहो की मूर्तियां, उसकी छोटी प्रतिकृति उसके हाथ में, और बस ये पूरी फिल्म में बस वो ये दोनों दिखा रहा है। इसके अलावा उनके पास में कोई तथ्य नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। हमारे शास्त्रों से, वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, स्मृतियों से, अलग अलग जो संहिताएं हैं, कहीं से भी एक सिंगल श्लोक भी वो नहीं दिखा पाए, क्योंकि दिखाएंगे कैसे? संभव ही नहीं है कि हमारे शास्त्रों से ये जो प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना चाहते हैं उसका समर्थन करने वाला कोई एक सिंगल श्लोक भी उनको मिले। तो कामसूत्र, खजुराहो की मूर्तियां, और इसके साथ में एक और आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि पंचतंत्र की जो पुस्तक है उसकी शुरुआत की तीन चार लाइनें उन्होंने पढ़कर बताई है। उसमें क्या है, एक विद्यार्थी कहता है कि पिताश्री, मैं जा रहा हूँ विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल में, और वहां पर कामशास्त्र भी मैं पढ़ूंगा, अलग अलग विषय लिए, और कामशास्त्र का भी वो नाम लेता है। अब इनका मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन देखिए, कामशास्त्र ये जो बता रहे हैं, या आगे जाकर पंकज त्रिपाठी ये भी कहता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में हमारे जो चार पुरुषार्थ उसमें काम आता है, तो इसका अर्थ
हम मतलब ये इंद्रिय लंपट बनना, वासनांध बनना या हस्तमैथुन जैसे बहुत आम चीज है, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं, ये हमारे चार पुरुषार्थों में से काम का अर्थ ये होता है, या तुम्हारे जो काम शास्त्र जो बात कर रहे हो उसका अर्थ ये होता है। सभी को पता है, किसी भी हिंदू को जिसको थोड़ा भी शास्त्रों का ज्ञान है, किसी को भी पूछ लीजिए, जो हिंदू नहीं भी हो वो भी बता देगा कि भारत में जो गुरुकुल का जीवन होता है विद्यार्थी का, उसे ब्रह्मचर्याश्रम कहा जाता है। चार वर्णाश्रम जो बताए गए हैं, सबसे पहले ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और उसके बाद में संन्यासाश्रम। तो 25 वर्ष तक के आयु तक को ब्रह्मचर्याश्रम कहा जाता है, जहां पर विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा नियम ब्रह्मचर्य और वीर रक्षा बताया गया है शास्त्रों में अलग अलग जगहों पर। चाहे आप कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र अलग अलग जगह पर उठाकर देख लीजिए, विद्यार्थियों के लिए जो नियम बताए गए हैं उसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य ही आता है। तो ये हमारी गुरुकुल की शिक्षा परंपरा व्यवस्था रही है हजारों वर्षों से, और ये उसे सामने रखकर क्या प्रमोट कर रहे हैं कि वीर रक्षा बहुत आम बात है, हस्तमैथुन तो सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। मतलब हमारे कल्चर का जो बेस है, जो मुख्य, जो बार बार हमारे शास्त्र सैकड़ों नहीं हजारों जगहों पर वीर रक्षा की महिमा से भरे हुए हैं, ब्रह्मचर्य की रक्षा से महिमा से भरे हुए हैं, उनको उनका नाम ले लेकर बिना कोई तथ्य बताए, बिना कोई श्लोक बताए, ये फिल्म हस्तमैथुन को नॉर्मलाइज करने का प्रयास करती है, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। तो कामसूत्र, खजुराहो की मूर्तियां, पंचतंत्र जिसमें काल्पनिक कहानियां हैं, उसका बेसलेस एक उन्होंने दो तीन लाइन पढ़कर बताई है, और इसके अलावा एक और वो शास्त्र दिखाते हैं कोर्ट में पंकज त्रिपाठी, वो है चरक संहिता। हालांकि चरक संहिता का एक श्लोक भी वो नहीं, मैंने कहा ना कोई भी श्लोक उन्होंने कोई आधार नहीं दिया है। अब मैं अगर चरक संहिता को अगर बताऊं, या जितने भी हमारे जी आयुर्वेद के जी आचार्य रहे हैं, चाहे वाग्भट जी हो, सुश्रुताचार्य जी हो, या फिर पतंजलि योग जो हम उसमें अष्टांग योग आदि आता है, या चरक ऋषि हो उनकी चरक संहिता, सब जगह पर सभी आयुर्वेद के आचार्यों ने हर जगह पर बार 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 ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है। अब इन्होंने कोर्ट में चरक संहिता तो दिखा दी, पर चरक संहिता में तो ब्रह्मचर्य की बार बार महिमा गाई है। मैं कुछ श्लोक आपके दर्शकों को पढ़कर बताना जी हाँ चाहता जी हूं। हाँ मैं सभी जी हाँ सभी से प्रार्थना करूंगा कि ये बातें प्लीज सब तक पहुंचाइए, क्योंकि ये फिल्म इतना होशियार से मैनिपुलेट कर रही है। देखिए, हमारे आने वाली जनरेशन का, देश के भविष्य का प्रश्न है, जो अपना प्रोपेगेंडा ये जितना क्लेवरली स्प्रेड कर रही ना, उतना ही तेजी से हमें ये बातें लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो चरक संहिता में श्लोक आता है, सत्तामुपासनम सम्यग असताम परिवर्चनम ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथक विधो। इसका अर्थ होता है, सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य उपवास, धर्मशास्त्र के नियमों का ज्ञान और अभ्यास आत्मकल्याण का मार्ग है। इसके अलावा चरक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को संसारिक सुख का साधन ही नहीं तो मोक्ष का मार्ग भी है, मोक्ष का दाता भी है ब्रह्मचर्य, ये चरक ऋषि कहते हैं। एक और श्लोक है चरक संहिता का, जिसमें कहा गया है, त्रयः उपास्तम्भाः आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यं च सति। इसका अर्थ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये शरीर के तीन उपस्तंभ हैं, अर्थात इनके आधार पर शरीर स्थित है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और अन्य जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, उन्होंने शरीर के चार स्तंभ बताए हैं, आहार यानी योग्य आहार विहार करना, उसके बाद में श्रम यानी शरीर से हम शारीरिक श्रम करते रहे, उसके बाद में विश्राम यानी योग्य निद्रा हमारी हो, और चौथा है ब्रह्मचर्य। ये किसी भी स्वस्थ शरीर के चार स्तंभ है, इनके आधार पर ही शरीर स्वस्थ रह सकता है, ये आयुर्वेद के आचार्य बार बार कहते हैं। और आप क्या चरक संहिता दिखा रहे हैं कोर्ट में, पतंजलि योग में जो अष्टांग योग आता है, जिसमें आठ जो अष्टांग योग जो सूत्र, आठ सूत्र बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें से पहला जो सूत्र है यम, उसमें जो नियम बताए गए हैं उसमें ब्रह्मचर्य सबसे प्रमुखता से आता है। और आप क्या बता रहे हैं बच्चों को, हमारे शास्त्र तो ब्रह्मचर्य की महिमा से बार 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 वो ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हैं। वाग्भट जी कहते हैं कि संसार में जितना सुख है वो आयु के अधीन है, और आयु ब्रह्मचर्य के अधीन है, ये वाग्भट जी कहते हैं। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में आता है, तद्य एवेतम ब्रह्म लोकम ब्रह्मचर्यनो विन्दन्ति तेषामिवेश ब्रह्म लोक। इसका अर्थ है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, केवल केवल वे ही ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और श्लोक आता है, आयुस्तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीश्च महद यशः पुण्यम च प्रतिमत्वम च हन्यते ब्रह्मचर्या। आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश तथा पुण्य और प्रीति, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन न करने से नष्ट हो जाते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और चरक संहिता की एक और बात मैं बताना भूल गया, जो वैद्यकीय शास्त्र पढ़ने के लिए आए हुए जो विद्यार्थी, जो शिष्य होते थे, उनके लिए एक प्रतिज्ञा होती थी वैद्य बनने से पहले, जिसका चरक संहिता में उल्लेख आता है। अब वो प्रतिज्ञा क्या है, उसकी पहली ही लाइन है, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। आगे कहा गया है, ऋषियों की तरह मेरी वेशभूषा होगी, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा,
सादा भोजन करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, रोगियों की उपेक्षा नहीं करूंगा, उनकी सेवा समझकर मैं करूंगा। जिसके परिवार में चिकित्सा के लिए जाऊंगा उसके घर की बात बाहर नहीं कहूंगा, अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करूंगा, गुरु का सदैव सम्मान करूंगा। ये चरक संहिता कहती है। और ये क्या फुहड़ता, आप युवा पीढ़ी को हस्तमैथुन को आप नॉर्मलाइज करने की बात करें, जबकि आज आप देखिए नेट लगभग फ्री हो गया है, हर व्यक्ति के हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है और एक क्लिक पर पॉर्न साइट खुलती है। भले ही भारत सरकार ने बैन किया हुआ है पर आराम से पॉर्न साइट्स खुलती है आज भी, चाहे वो वीपीएन का यूज करके हो या अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, कई सारी वेबसाइट्स तो खुलती है, एक क्लिक पर पॉर्न साइट्स खुल रही है बच्चों की। और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ रोज, कई सारे बच्चे बताते हैं कि हस्तमैथुन की ऐसी लत लग गई है कि दिन में दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह बार हस्तमैथुन कर लेते हैं, रात को पॉर्न देखे बगैर हस्तमैथुन किए बगैर नींद नहीं आती। पॉर्न एडिक्शन के इतने भयावह दुष्परिणामों से आज युवा पीढ़ी गुजर रही है, तो ऐसे में उनको संयम और ब्रह्मचर्य की महिमा बताने की आवश्यकता है, या उनको और उसको नॉर्मलाइज कर देना कि भाई तुम जो कर रहे हो तो गलत है ही नहीं, वो तो प्राउड करने वाली बात है। मतलब अगर हमारे मन में किसी बात के लिए ये पता हो कि भाई इससे हमें नुकसान होता है तब तो हम बचने का प्रयास करेंगे ना, जब पता हो कि नुकसान हो रहा है। अगर ये बता दिया जाए कि इससे तो नुकसान ही नहीं है, इससे तो कोई हानि ही नहीं है, तो तुम्हें करते ही रहना चाहिए, अच्छी बात है ये, तो तब तो वो तो बचने का भी प्रयास नहीं करेगा उससे। तो कितना भयानक है देखिए जो बातें ये फिल्म बताने का प्रयास कर रही है। प्रतीक जी, ये बताइए कि एक तो इसका मकसद क्या आपकी समझ में आता है मोटे तौर पे, और दूसरे समाज के भीतर से इस तरह की विषय वस्तु का जितना पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए सबसे मुख्य बात तो यह है, इसका उद्देश्य यही है। बॉलीवुड हमेशा से, मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ, इनको लगता है कि समाज कहीं पर रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स है, पिछड़ी हुई मानसिकता है, मानसिकता का है, और हमें उन्हें उसे लिबरेट करना है। और पहले आज से 4-5 वर्ष पहले तक भी ये डायरेक्टली हमारी रीति रिवाज परंपराएं इनको टारगेट करके ये छाती कूटते थे हमारी संस्कृति के नाम से। अब देख रहे कि देश में राष्ट्रवाद की लहर है, तो अब ये संस्कृति का सहारा लेकर बिना कोई तथ्य बताए, बिना कोई फैक्ट्स बताए, बिना कोई श्लोक बताए, बस संस्कृति संस्कृति करके ये वही अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और यही इनका उद्देश्य है। देखिए आज आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किसके बेस पर चल रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कास्टिंग काउच हो या जो इतने बड़े बड़े एलिट्स के सेक्स जो प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट चलते हैं, सब इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कई सारे इसको लेकर आप रिपोर्ट्स सर्च कर सकते हैं, जो जो न्यूड फोटोशूट, सेमी न्यूड फोटोशूट, आइटम सॉन्ग्स, जो महिलाओं को फीमेल एक्ट्रेसेस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, सेक्सुअलाइज किया जाता है, ये सब कैसे चलेगा अगर बच्चे अपने अपने संयमित जीवन जिएंगे, उनके सामने संयम की महिमा आप बताओगे, तो कोई युवती या कोई युवक इनके प्रोपेगेंडा का शिकार होगा? नहीं होगा। इनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलेगी कैसे? इसी कारण से बच्चों को बार बार बताते हैं कि भाई आपको तो संयम, ब्रह्मचर्य, ये सारी बातें ढकोसला है, इससे कुछ नहीं होता, आपको तो वो छोड़कर ये लिबरेटेड लाइफस्टाइल आपको जीनी। और अभी तो ये बता रहे कि हमारी संस्कृति तो इन्हीं बातों को प्रमोट करती है, जबकि कहीं पर कोई आधार ही इन्होंने नहीं दिया। कामासूत्र और खुजराव के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। एक और उद्देश्य इसका मेरे अनुसार फार्मा इंडस्ट्री है, जो एक बहुत बड़ी लॉबी है इसके पीछे। अब उन्होंने डायरेक्टली फंड किया नहीं किया वो एक अलग विषय है, पर भाई ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है वेस्ट का, फार्मा इंडस्ट्रीज का, एक बहुत बड़ी वोक लॉबी है जो भारत में एंटर करना चाहती है। कई सारी इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है, जैसे कि सेक्स टॉयज बेचना, सप्लीमेंट्स, ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ, ये एक बहुत बड़ी बिलियन, कई कई बिलियन डॉलर्स की ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो एंटर एंटर करना चाहती है। और सेक्स एजुकेशन जो प्रमोट करना है, आप देखिए इसमें किसका मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। ये बड़ी मैकॉले की बातें कर रहे थे ओ माय गॉड 2 में कि मैकॉले ने हमारी यहाँ से सेक्स एजुकेशन बंद करवा दिया, हमारे गुरुकुल में तो सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता था, मैकॉले ने बंद कर दिया, और वो अपने वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे। मतलब इतनी बुद्धि भ्रष्ट है इन लोगों की। आप देखिए मैकॉले ने सेक्स एजुकेशन बंद किया था भारत में और हमारे गुरुकुल सेक्स एजुकेशन पढ़ाते थे, मतलब क्या मूर्खतापूर्ण तर्क दे रहे हैं। और एंडिंग में ये बातें बोलकर लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर, देखो 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 हम, देखो मैकॉले का नाम लिया, हम कितना कल्चर का सम्मान कर रहे हैं, पर सब अपना प्रोपेगेंडा उसकी आड़ में ये चला रहे थे। तो ये पूरा फार्मा इंडस्ट्रीज की एक पूरी लॉबी है जो एंटर करना चाहती है, उस कारण से ये सारा अब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, संस्कृति, इसका सहारा लेकर ये लोग अपना प्रोपेगेंडा ये स्प्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद में आपने एक तो इसका मूल उद्देश्य क्या है ये पूछा था, और उसके अलावा मैंने ये कहा था कि समाज में जितना पुरजोर विरोध इसका होना हाँ चाहिए इस तरह की विषय वस्तु का क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल,
अब देखिए आदि पुरुष के समय उसका कितना विरोध हुआ, मैंने भी सबसे ज्यादा तो भाई मैंने ही उसके विरुद्ध में वीडियो भी बनाए थे बहुत सारे। पर देखिए आदि पुरुष केवल एक टेक्निकली खराब बनी हुई फिल्म थी, उसमें कुछ फूहड़ता भरे डायलॉग्स थे, उसमें कहीं पर भी जैसे कि मणिरत्नम की रावण फिल्म का मैं उदाहरण देता हूँ, उसमें राम जी को धूर्त कपटी दिखाया है, रावण का महिमा मंडन किया है, सीता मैया का राम जी के रावण के प्रति प्रेम दिखाया है, लक्ष्मण जी को बलात्कारी दिखाया है सिंबॉलिक वे में, तो वो होता है अपमान करना। आदि पुरुष एक टेक्निकली खराब बनी हुई फिल्म थी, उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, कोई डायलॉग्स नहीं लिखे, वीएफएक्स बहुत ज्यादा घटिया थे, पर वो टेक्निकल बातें हैं केवल। पर आदि ओ माय गॉड टू की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही क्लेवरली मैनिपुलेट करती है अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए, और लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे, और इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल करती है ये फिल्म कि कोई भी सामान्य व्यक्ति या लड़का युवा देखने के लिए जाएगा तो वो तुरंत रिलेट कर पाएगा। जो बच्चा उन्होंने शुरुआत में दिखाया है जिसकी सुसाइड को रोमेटिसाइज किया है, उसको बहुत डिप्रेशन में, आत्मग्लानी में, परेशान, दुखी, चिंतित दिखाया है, रोते हुए दिखाया है। एक सीन में उसके पिता उसको थप्पड़ मारते हैं तो वो पुलिस स्टेशन में होता है तो सबको कहता है कि आप भी मुझे मार लो, आप भी मुझे मार लो, आप भी मुझे मार लो, बहुत रोता हुआ चेहरा किया हुआ है। तो इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया है, इतनी सिंपैथी पैदा की, और कोई भी सामान्य लड़का अगर देखेगा वो तुरंत उससे रिलेट कर पाएगा, वो क्या सोचेगा कि हाँ यार ये तो बेचारे को कितना, मास्टरबेट सभी तो करते हैं मास्टरबेट, बेचारे ने क्या देखो उसको कैसे समाज या चाहे पेरेंट्स हो दूसरे या स्कूल के बच्चे हो, सब उसको कैसे टारगेट कर रहे हैं बेचारा इस प्रकार से। और हर व्यक्ति से जीवन में हस्तमैथुन की गलती होती है कहीं ना कहीं पर, हमारा कर्तव्य कि हम उससे ऊपर उठे, ऐसा नहीं कि गलती को और ज्यादा सेलिब्रेट करो वो सही है कहकर और ज्यादा हम गड्ढे में गिरते जाए, उससे ऊपर उठना हमारा कर्तव्य होता है। तो इन्होंने शुरुआत में जो एक उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने का जो ऑडियंस को प्रयास किया उस कारण से तुरंत हम रिलेट कर पाते हैं, कई सारे युवा विशेषतर रिलेट कर पाएंगे उस कैरेक्टर के साथ में। फर्स्ट हाफ तक यही कर रहे हैं वो इमोशनल ब्लैकमेल करना, और फिर सेकंड हाफ में जाकर जब तथ्य दिखाने की बात आती है तब ये बस कामासूत्र खजुराहो, कामासूत्र खजुराहो, इसके अलावा इनके पास में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे, कोई श्लोक नहीं थे। पर बाद में भी जाकर वो जैसे कि मैंने कहा छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म दिखाना, उसका यूज करके सेक्स एजुकेशन के प्रति स्वीकार्यता उत्पन्न करना, ये बहुत क्लेवरली उन्होंने मैनिपुलेट किया है, और इसी कारण से विरोध हमें देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि आप देखेंगे कि कई सारे ट्रेडिशनल फैमिली के लोग भी अगर ये फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो वो भी मैनिपुलेट हो जाएंगे, इस हद तक का भयानक मानसिकता इसमें। और देखिए सबसे विकृत बात क्या है, ये वो छोटी बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म होते हुए दिखा रहे हैं उसके आड़ में इनका ये तर्क था कि सेक्स एजुकेशन में गुड टच बैड टच सिखाया जाता है बच्चियों को। अरे भाई तुम क्या, एक साइड में तुम कह रहे हो कि हस्तमैथुन को नॉर्मलाइज करना ये आम बात है, सामान्य है, स्वस्थ प्रक्रिया है, उससे हानि नहीं होती, हस्तमैथुन करने को बच्चों को आप बता रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति हस्तमैथुन कैसे करेगा, कैसे होता है हस्तमैथुन, वो मन में किसी ना किसी लड़की के प्रति कामोत्तेजना भरे विचार करेगा, चाहे वो किसी फिल्म का सीन देखकर करे या फिर इनके जो सेमी न्यूड फोटोशूट, न्यूड फोटोशूट होते हैं वो देखकर करें, या पॉर्न देखकर करें, या फिर अपने ही क्लास की किसी बच्ची के बारे में कुदृष्टि रखकर, कुभाव लाकर कामोत्तेजना बढ़ाए, किसी ना किसी प्रकार से वो कामोत्तेजना बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि मन आंखें बंद कर ली और किसी लकड़ी का चिंतन कर लिया, किसी पत्थर का चिंतन कर लिया और उसकी कामोत्तेजना बढ़ जाएगी और हस्तमैथुन कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। वो किसी ना किसी स्त्री के बारे में, महिला के बारे में, या अपनी ही किसी बच्ची क्लासमेट के बारे में वो कुभाव मन में लाएगा, कुदृष्टि मन में लाएगा, और तभी कामोत्तेजना आकर वो हस्तमैथुन करेगा। तो आप एक तरफ तो इस फूहड़ता को, इंद्रिय लंपटता को, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ना केवल जस्टिफाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं ये कहकर कि ये सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है और इससे तो कोई हानि ही नहीं होती, कम से कम इसके नुकसान, इससे होने वाले नुकसान, वीरेनाश से होने वाले नुकसान उनको बताओ तो सही कि गलत है, तो वो उठने का तो प्रयास करेंगे गिरने के बाद में। आप उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, केवल जस्टिफिकेशन ही तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो बच्चों को और करने के लिए बोल रहे हैं। उन बच्चों का अपनी क्लासमेट्स के प्रति, जो विद्यार्थिनियां छात्रा है उसके साथ में पढ़ रही, उनके प्रति देखने का भाव अच्छा होगा या कुदृष्टि होगी? आप जो सिखा रहे हैं, जो बातें जस्टिफाई कर रहे हैं उसके, उससे महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण सही होगा या गलत होगा? आप तो उल्टा महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही बदल रहे हैं, और फिर आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर गुड टच बैड टच सिखाएंगे सेक्स एजुकेशन में, ये उद्देश्य है सेक्स एजुकेशन का। फ्राइड का मनोविज्ञान, आपने भी जानते हो कि फ्राइड का मनोविज्ञान के आधार पर ही सेक्स एजुकेशन है, और वो क्या कहता है उसका मनोविज्ञान कि हस्तमैथुन तो बहुत आम बात है, नॉर्मल है, इससे स्ट्रेस दूर होता है, ये तो बहुत हेल्दी होता है। यूट्यूब पर ढेर सारे सेक्सोलॉजिस्ट आपको मिल जाएंगे जो दिन रात यही ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, ये तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है, ये तो आम है, हेल्दी है। इसी मनोविज्ञान पर सेक्स एजुकेशन आधारित है, और यही
यही वो इसके माध्यम से पढ़ाते हैं। इसके पीछे पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, इसके साथ में ही LGBTQ एजेंडा सेक्स एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। और इन सब बातों को बच्चों के दिमाग में डाला जाए, इसके लिए ये एक छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म का उपयोग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गुड टच बैड टच सिखाएंगे हम। अरे आपको सच में गुड टच बैड टच की चिंता होती, महिलाओं के प्रति कोई कुदृष्टि ना रखे इसकी चिंता होती, महिलाओं की स्त्रियों की चिंता होती, तो आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाने का समर्थन करते, संयम और ब्रह्मचर्य सिखाने का आप समर्थन करते, पर नहीं, आप तो हस्त मैथुन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण काम को सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिनम। 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि पाप करने के लिए मनुष्य क्यों प्रवृत्त होता है, क्या उसका कारण है? तो भगवान कहते हैं कि इसका जो मनुष्य का जो मुख्य शत्रु है वो काम है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये जो काम है वही क्रोध है, काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला है। यानी काम का कभी पेट नहीं भरता, वासना का कभी पेट नहीं भरता। आप कितनी भी संसार की सारी सुंदरियां लल्लाएं आपकी सेवा में आ जाए, आप दिन रात भोग भोगे तो भी आपका मन नहीं भरेगा। इसी कारण से तो कई बच्चे मेरे पास भी कहते हैं ना कि भाई दिन में दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह बार हस्त मैथुन करते हैं तो भी हम उस वासना में गिरते जा रहे हैं। पॉर्न एडिक्शन, रात को वो हस्त मैथुन के बगैर नींद नहीं आती, इस प्रकार से बच्चे उस खाई में गिरते जा रहे हैं। तो वासना का कभी पेट नहीं भरता। भगवान यही कहते हैं कि यह काम बहुत खाने वाला है और इसी कारण से वह महापापी भी है। इसीलिए इस पूरे संसार में काम को तू वैरी जान, शत्रु जान। और इसी तीसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं 43वें, एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, मन को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो काम को तो दुर्जय यानी जीतने में सबसे कठिन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो षड विकार बताए हैं उनमें काम को सबसे ज्यादा अधिक कठिन बताया है जीतने के लिए, और उस शत्रु को तो मार डाल, ये भगवान कह रहे हैं। तो आपको अगर सच में गुड टच बैड टच की महिलाओं की चिंता होती ना, तो आप ये पढ़ाने का समर्थन करते कि बच्चों को ये पढ़ाओ, पर आपने वो नहीं किया। आप उल्टा लड़कों को, बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को आप इंद्रिय लंपट बना रहे हैं, उनके मन में कुदृष्टि बने अपनी ही सहपाठिनियों के प्रति, छात्राओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, ये आप उनके दिमाग में डाल रहे हैं और उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इससे महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार कम होंगे या बढ़ेंगे? कुदृष्टि बढ़ेगी या कम होगी? महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा या कम होगा? किसी महिला के प्रति कुभाव लाकर, कुदृष्टि लाकर हस्त मैथुन करना, ये महिला का सम्मान करना होता है, और ये सेक्स एजुकेशन से ये सिखाएंगे। फिल्म में एक सीन है, वैश्या को उन्होंने कोर्ट रूम में बुलाया है और उस वैश्या से पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर पूछता है कि जो लोग आपके पास में आते हैं कस्टमर बनकर ग्राहक, क्या यजमान कहा है? पता नहीं यजमान क्यों कहा है। तो जो आते हैं वो आपका सम्मान करते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं? तो वैश्या कहती कि नहीं, तो बस मजे लेने के लिए आते हैं। तो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर आगे पूछता है कि क्या आपको नहीं लगता कि उन पुरुषों को स्त्री का मन, स्त्री की भावना समझना चाहिए? तो वो वैश्या कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल समझना चाहिए। तो ये इनका जस्टिफिकेशन है सेक्स एजुकेशन के लिए। उसके बाद में पंकज त्रिपाठी कहता है कि देखो देखो सेक्स एजुकेशन की कितनी आवश्यकता है कि हम महिलाओं को समझ पाए, महिलाओं की भावनाओं को समझ पाए। तो सेक्स एजुकेशन से महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, सम्मान आएगा या कुदृष्टि आएगी? मतलब आप सोचिए कितना भयानक प्रोपेगेंडा। उसी कारण से लोग विरोध नहीं कर रहे, वो इस प्रकार से ये फिल्म मैनिपुलेट करती है, आप कल्पना नहीं कर सकते इसके कितने भयावह दुष्परिणाम होंगे। और दुख की बात यह है कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। इससे ज्यादा घिनौनी मानसिकता की फिल्म तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। करोड़ों युवाओं को ये गड्ढे में धकेलने का महापाप इन्होंने किया, और महादेव कभी क्षमा नहीं करेंगे इस फिल्म के मेकर्स को। ये बताइए, जब पहला पार्ट आया था इसका, उस समय तक तो बहुत जागरूकता मुझे लगता है कि नहीं थी, लेकिन इस बीच तो बहुत जागरूकता आ गई है। जो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, जो हमारे देवी देवताओं का, हमारे भगवान का, हमारी सनातन परंपराओं का, हमारी हिंदू संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं, उनको कई फिल्मों में हमने देखा है, उनका भंडाधार भी किया है, बॉक्स ऑफिस पर वो औंधे मुंह पड़ी हैं। तो इस फिल्म की क्या स्थिति है बॉक्स ऑफिस की दृष्टि से भी और दर्शकों के दृष्टिकोण से भी? सर दर्शकों का दृष्टिकोण तो मैंने बता ही दिया, बहुत सारे ज्यादातर लोगों को तो शास्त्रों के बारे में ऑब्वियसली पता होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सत्संग में या पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ाई नहीं था, सत्संग में तो ज्यादातर लोग आजकल जाते नहीं है।
इस कारण से बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन फिल्म ने 10 करोड़ कमाए हैं। अब इसमें कितना फेक है रियल है वो एक अलग विषय है, पर कमाए हैं 10 करोड़ फिल्म ने पहले दिन, और हो सकता है कि आज शनिवार रविवार को ये कलेक्शन बढ़ेगा भी, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा। आप देखिए जितने भी क्रिटिक्स हैं, आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल को खोल लीजिए, सब लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं भी बिना जाने, क्योंकि ये फिल्म इस प्रकार से मैनिपुलेट करती है कि कोई व्यक्ति, मैंने कहा ना, कोई ट्रेडिशनल फैमिली से भी इस फिल्म को देखने के लिए जाएगा ना, तो वो भी मैनिपुलेट हो जाएगा। इसी कारण से मैंने जो बातें बताई है, सब तक पहुंचाना, अधिकाधिक ज्यादा तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी। और आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा, ये अक्षय कुमार की लगातार फिल्में पिट रही हैं, बहुत सारी फिल्मों की कथा वस्तु, इनका अभिनय, वो सब बहुत क्रिटिसाइज हुआ है। कई ऐतिहासिक पात्रों को लेकर के भी इनकी कुछ फिल्में आई हैं। अक्षय कुमार को लेकर के जो लोगों का भ्रम था, वो टूटा है या नहीं टूटा है कि ये राष्ट्रवादी हैं? देखिए सामान्य लोग तो ऑब्वियसली समझ गए हैं, हालांकि उनकी पीआर टीम हो या फैन क्लब्स वगैरह है जो कथित, वो लोग तो एक वातावरण बनाने का प्रयास करते ही है, भले ही कितनी प्रोपेगेंडा फिल्में बन जाए, पर इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है बॉलीवुड का कि वो अपना एक बना ही लेता है, अपनी इमेज सुधारने का प्रयास वो बार 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 करते ही रहते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि ये जो फिल्म है, बहुत सारे लोग इसके एजेंडा को, प्रोपेगेंडा को समझ नहीं पा रहे, और इसी कारण से पता नहीं ये बातें हम आप जो कर रहे हैं, या मैंने जो इतने सारे वीडियोस पे, मैंने तो कल से 4-5 वीडियोस इस पर बनाए हैं, क्योंकि मैं इतना पीड़ित हूँ ये देखकर। मैं सब तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूँ, पर हमारे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचते नहीं है, और ये प्रोपेगेंडा बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी जाता है और लोग मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, ब्रेन वॉश भी हो जाते हैं। इसी कारण से हमारा जो एक इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। और कुछ तर्क मैं और बताना चाहता हूँ जो छूट गए थे मुझसे बताना, ये जी फिल्म जी कुछ तर्क और ये देती है अपने एजेंडा को जस्टिफाई करने के लिए कि देखो देखो हिंदू शास्त्रों में लिंग, योनि या नितंभ, वक्षस्थल इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो इसके माध्यम से वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि देखो देखो हम कितने प्रोग्रेसिव थे, हमारे शास्त्रों में तो ऐसे शब्द आते हैं, तो ये जो हस्तमैथुन किया है बच्चे ने तो सही है, मतलब ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो और ज्यादा हमें प्रमोट करना चाहिए, यही तो उनका कंक्लूजन था ना फिल्म का। मतलब इनकी मूर्खता देखिए भाई, फिल्म में जो काम शब्द आता है, क्या उसके आती है काम वासना में इंद्रिय लंपट होना है, या फिर लिंग, योनि, नितंब, वक्षस्थली शब्द जो आए हैं वो किस संदर्भ में आए हैं, किस लिए आए हैं? अब जैसे कि पतंजलि योग में जो अष्टांग योग है उसमें त्रिबंध बताया गया है, त्रिबंध में एक मूल बंध होता है, उसमें ये कहा गया है कि श्वास को पूरा बाहर छोड़कर गुदा द्वार का संकोचन करना, तो जी यहाँ जी पर गुदा द्वार शब्द आ गया, तो इसके महामूर्ख फिल्म मेकर्स तो नाचने लग जाएंगे, देखो देखो हमारे शास्त्र में तो गुदा द्वार शब्द है, तो क्या आप एनल सेक्स को प्रमोट करोगे? हाँ आप उन घिनौनी बातों को, अरे वो किस संदर्भ में शब्द आए हुए हैं, क्या कहा है, हमारे शास्त्र तो वीर्य रक्षा, ब्रह्मचर्य की रक्षा, संयम का महत्व, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम, यही बार 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 वो प्रमोट करते हैं, और लिंग, योनि, वक्षस्थल, नितंब या फिर गुदा द्वार या जो भी शब्द आए हैं वो किस संदर्भ में आए हैं, और ये केवल ऐसे ऊटपटांग बातें कर रहे हैं अदालत में, कोर्ट में, और इसके माध्यम से ये अपनी बातों को रख रहे हैं सामने, ना कोई श्लोक बता रहे हैं, ना कोई प्रॉपर रिसर्च है, ना कोई तथ्य बता, कुछ भी नहीं, ऊटपटांग बातें, पर इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल किया है ना, और लोग कुछ लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं, सच में बहुत ज्यादा दुखी करती है बातें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी जुड़ने के लिए। आपने इतने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी हैं, इससे निश्चित रूप से वो जागरूक होंगे, और जो उनके पारिवारिक मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी शिक्षित करेंगे, एजुकेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। बुलाने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।